शेयर बाजार में इन दिनों काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच अडानी ग्रुप की नई लिस्टेड कंपनी अडानी विल्मर का शेयर कमाल कर रहा है। मंगलवार को अडानी विल्मर का शेयर 9% मजबूत होकर 503 पर बंद हुआ। पिछले 5 दिन में इस शेयर ने 28% और 1 महीने में 31% का रिटर्न दिया। लिस्टिंग से अब तक ये शेयर 100% तक मजबूत हो चुका है। अडानी विल्मर की लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई थी, लेकिन लिस्टिंग के बाद इस शेयर ने जो रफ्तार पकड़ी उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 8 फरवरी को अडानी विल्मर की लिस्टिंग इशू प्राइस से 4% नीचे 221 रुपये पर हुई थी। करीब करीब 2 महीने में इस शेयर ने निवेशकों का पैसा डबल कर दिया। कुल मिलाकर उतार चढ़ाव के मार्केट में भी अडानी विल्मर निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। इस स्टॉक में निवेशकों का पैसा 2 महीने में डबल हो चुका है। अडानी विल्मर में तेजी की 2 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहली, रुचि सोया FPO से एडिबल ऑयल सेगमेंट को नई मजबूती मिली है। वहीं दूसरी, पाम ऑयल की कीमतों में उछाल का फायदा भी अडानी विल्मर को मिल रहा है। माना जा रहा है कि पाम ऑयल में तेजी की वजह से कंपनी के तिमाही नतीजे अच्छे रह सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में पाम ऑयल की कीमतों में 14% का उछाल देखने को मिला है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में भी कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 66% बढ़कर 211.40 करोड़ रहा, जबकि आय 40% बढ़कर 14,379 करोड़ रही। अडानी विल्मर में गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की 50% हिस्सेदारी है। बाकी 50% हिस्सेदारी सिंगापुर के विल्मर समूह की है। ये कंपनी फॉर्च्यून ब्रांड नाम से खाने के तेल बेचती है। इसके अलावा कंपनी चावल, आटा, चीनी जैसे खाने के सामान का भी कारोबार करती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में साबुन, हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर जैसे प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। ये भारतीय बाजार में सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में से एक है।